हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर सेवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का सम नंबर फोर स्टार्ट करेंगे इसके इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो मैं अपने अपलोड कर चुकी हूं अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उस वीडियो को भी जरूर देख ले तो चलिए सम नंबर फोर से एक्सरसाइज सेवन स्टार्ट करते हैं फाइन द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय माइनस वाइन वन कामा सिक्स हमें रेशियो फाइन करनी है जिसमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ज्वाइनिंग दीज पॉइंट अब ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है मान लीजिए ये पॉइंट ए और बी है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट माइनस थ्री कॉमा टेन और इसके सिक्स कॉमा माइनस एट इज डिवाइडेड बाय यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन तो ये पॉइंट हमने लेट कर लिया तो ये डिवाइडेड कर रहा है माइनस वन कॉमा सिक्स पे तो ये रेशियो कितने रेशियो में ये डिवाइड हुई हमें वो रेशियो फाइंड करनी है तो रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूला यूज करके तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट है प्रीवियस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में सेक्शन फार्मला और मिड पॉइंट फार्मूला करवा चुकी हूं तो एक बार मेरी वो प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लें तो ये लाइन सेगमेंट है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक्स वन पॉइंट यहां पे इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे जाके ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है और इसकी रेशियो है एम वन रेशियो एम टू तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मुला कैसे अप्लाई करते हैं हमें इस कोऑर्डिनेट पॉइंट ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो x कॉमा वाई इक्वल्स टू एम वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ये सेक्शन फॉर्मूला है जो हम इस सम में यूज करेंगे लेकिन हमारे पास एम वन और एम टू की वैल्यू नहीं है रेशियो हमें नहीं गिवन तो हम रेशियो क्या कर लेंगे रे लेट रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेशियो के रेशियो वन हम ले लेंगे इट मींस ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स वन वाई वन की ये वैल्यू एक्स टू वाई टू की ये एक्स कॉमा वाई और के रेशियो वन हमने लेट कर ली इट मीन ये एम वन और ये एम टू आ गया तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्स कॉमा वाई क्या आ गया माइनस वन कॉमा सिक्स हम यहां लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला x comma y x comma y minus 1 comma 6 equals to m1 x2 m1 k x2 6 it means 6k then m2 x1 1 and minus 3 1 multiplied by minus 3 which become minus 3 over m1 1 plus m2 that is x plus uh, k plus 1 comma m1 y2 एम वन वाई टू क्या है माइनस एट दट इज माइनस एट के एम टू वाई वन वन इंटू टेन प्लस टेन डिवाइडेड बाय के प्लस वन तो ये वैल्यूज पुट करके आ गई अब हम इन्हें इक्वेट करेंगे इट मीन ये एक्स की वैल्यू ये सारी इसके इक्वल और ये सिक्स इसके इक्वल आ जाएगा तो हम एक ही वैल्यू लेंगे जैसे माइनस वन इक्वल टू सिक्स के माइनस थ्री ओवर के प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया तो ये के प्लस वन माइनस वन के साथ इधर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया माइनस के माइनस वन इक्वल टू सिक्स के माइनस थ्री तो ये माइनस के सिक्स के भी इधर लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो माइनस थ्री ये माइनस वन इस साइड प्लस वन हो गया तो ये माइनस सेवन के इक्वल टू माइनस टू माइनस माइनस कैंसल और के की वैल्यू क्या आ गई टू ओवर सेवन रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास के रेशियो वन थी इसे हमने के रेशियो वन लेट किया था जो हमारे पास टू ओवर सेवन रेशियो वन आ गया तो अगर हम सेवन वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ गया टू रेशियो सेवन तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेशियो आ गई टू रेशियो सेवन इट्स योर आंसर चले नेक्स्ट सम पे चलते हैं सम नंबर फाइव सम नंबर फाइव फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस सेम प्रीवियस सम की तरह ही है लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंजिंग है कि इस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की इसमें बात की है अगर ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है इट मीन यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ये हम फिगर ड्रॉ करेंगे ए बी ए के पॉइंट्स है वन कामा माइनस फाइव और बी के पॉइंट्स है माइनस फोर कॉमा फाइव इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस इट मीनस की मान लें ये पॉइंट जो हम एक्स कॉमा वाई लेते थे ये एक्स कॉमा जीरो आ गया क्योंकि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे वाई क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो इसकी रेशियो फाइंड करनी है तो अगेन हम इसकी रेशियो लेट कर लेंगे के रेशियो वन लेट रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू के रेशियो वन अगेन हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला ही करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला अब सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी एक्स कॉमा वाई की आ गई ये एक्स वन कॉमा वाई वन हो गया ये एक्स टू कॉमा वाई टू और ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या आया हमारे पास एक्स कॉमा जीरो एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स टू दैट इज माइनस फोर के प्लस एम टू इंटू एक्स वन दैट इज प्लस वन ओवर के प्लस वन कॉमा एम टू अगेन एम टू कॉमाइव के एम टू कॉमा दिस माइनस ये क्या आ गया माइनस फाइव ओवर के प्लस वन तो ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया अब यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर के प्लस वन ओवर के प्लस वन दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड नेक्स्ट क्या आ गया जीरो इज इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव ओवर के प्लस वन तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ना तो x की वैल्यू निकलेगी ना k की वैल्यू निकलेगी तो हम सेकेंड वाले को लेंगे और यहां से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको जब सॉल्व किया तो जीरो के साथ ये k प्लस वन इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी टर्म जीरो हो गई तो फाइव के माइनस फाइव यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई फाइव के इक्वल्स टू फाइव 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 कैंसल और k की वैल्यू आई वन तो रिक्वायर्ड रेशियो यहां पे क्या आ गया रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू जो हमने के रेशियो वन लेट किया था तो वो आ गया वन रेशियो वन अब अगर k की वैल्यू वन आई है तो इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि सम में एक तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द रेशियो जो हमारी निकल आई है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट ऑफ डिवीजन ये है x, 0, 0, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकालने हैं तो अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल आएंगे तो हम x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे पुट k इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर वन तो इस इक्वेशन में हम के की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर इंटू वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन दैट इज माइनस फोर प्लस वन ओवर टू तो ये क्या आ गया माइनस थ्री ओवर टू तो माइनस थ्री ओवर टू हमारी एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या निकले कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन वो हमारे पास एक्स कॉमा जीरो है तो एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री ओवर टू कॉमा जीरो तो ये हमारा आंसर आ गया ये हमारे x कॉमा जीरो की वैल्यूज और k की वैल्यूज क्या आ गई वन तो रिक्वायर्ड रेशियो वन रेशियो वन ये टू पार्ट्स में हमारा सम सॉल्व हो गया तो अब हम सम नंबर सिक्स पे चलते हैं सम नंबर सिक्स इफ वन कॉमा टू फोर कॉमा वाई एक्स कॉमा सिक्स एंड थ्री कॉमा फाइव आर द वर्टसिज ऑफ द पेलेलोग्राम टेकन इन ऑर्डर वर्टिस ऑफ द पर्लोग्राम इस समय पेल्लोग्राम की बात की है तो हम एक पर्लोग्राम ड्रॉ कर लेंगे और इसको नेमिंग दे, दे देंगे ए बी सी और डी तो ये हमें वर्टसिज गिवन है इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है वन कॉमा टू बी की वैल्यू है फोर कॉमा वाई सी की वैल्यू एक्स कॉमा सिक्स और डी की वैल्यू है थ्री कॉमा फाइव तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है x के पॉइंट कहां है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो c के है एक्स यहां से x की वैल्यू आएगी और b के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कॉमा वाई और यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी तो वर्टिसेस ऑफ पर्लेलोग्राम ये गिवन है तो डायग्नल क्या होते हैं पर्लेलोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर इट मीन्स ए सी इक्वल्स टू क्या होता है बी डी तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम लेट कर लेंगे एम तो यहां पे अगर हम कहें कि मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए सी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द बी डी वो बोथ आर द इक्वल बिकॉज डायगन ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है पहले मैं वो बता देती हूँ कि मिड पॉइंट फॉर्मुला मान लीजिए ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है तो इसके सेंटर में ये एक मिड मिड पॉइंट है इसका तो इसका मिड पॉइंट को मान ले हम नाम एम ले लिया तो ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू तो मिड पॉइंट फार्मूला जब निकालना है तो इसके हमने पॉइंट्स निकालने हैं तो ये एक्स कॉमा वाई होगा विच इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू ये मिड पॉइंट फॉर्मुला आ गया तो इसी फॉर्मुला के अकॉर्डिंग अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे लेट ए दिस बी सी डी आर द वर्टसिज ऑफ द पेलेलोग्राम लेट ए वन कॉमा टू बी फोर कॉमा वाई सी एक्स कॉमा सिक्स एंड डी थ्री कॉमा फाइव आर वर्टसिज ऑफ पेलेलोग्राम ए बी सी डी पर्लेलोग्राम एबीसीडी वी नो डाइग्नल ऑफ द पर्लोग्राम बायसेक टीच अदर आप ये लाइन यहां पे लिख दोगे देअर फोर क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज इक्वल्स टू यहां पे इक्वल्स टू का साइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्योंकि एक डायग्नल एसी है और दूसरा डायग्नल क्या है बी तो ये लाइन हम यहाँ पे ये यहां से मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के लिए ये देखिए ये हमारा x1 y1 हो गया ये x2 y2 हो गया और यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 तो ये एक लाइन सेगमेंट है ये मिड पॉइंट फार्मूला यहां लगेगा तो इट मीन्स वन प्लस एक्स ओवर टू टू प्लस सिक्स ओवर टू तो वन प्लस एक्स ओवर टू तो और इधर क्या आ गया टू प्लस सिक्स ओवर टू तो ये तो मिड पॉइंट हो गए ए के अब इस साइड पे मिड पॉइंट ऑफ बी के निकालने हैं तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो फोर प्लस थ्री ओवर टू वाई प्लस फाइव ओवर टू तो हमने क्या लिख दिया थ्री प्लस ओवर टू फाइव प्लस वाई ओवर टू तो ये मिड पॉइंट किसके आगे बी के अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इक्वेट क्या करेंगे वन प्लस एक्स ओवर टू किसके इक्वल हो जाएगा थ्री प्लस फोर क्या होता है सेवन ओवर टू सेवन ओवर टू के सेंटर पे लाइन डाली टू प्लस सिक्स एट एट ओवर टू किसके इक्वल आ गया फाइव प्लस वाई ओवर टू तो यहां से टू और टू कैंसिल तो वन प्लस एक्स इक्वल टू आ गया सेवन तो यहां से एक्स की वैल्यू सेवन माइनस वन दट इज सिक्स ये सिक्स की आ गई अब इस साइड पे अगर हम निकाल लें तो ये कटिंग करके फोर आ गया तो टू फोर जा एट फाइव प्लस वाई यहाँ पे वाई की वैल्यू एट माइनस फाइव तो वाई क्या आ गया थ्री तो सम में हमें फाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई का था तो देअर फोर देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया सिक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू थ्री तो ये हमारा क्या आ गया इज रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्लियर तो ये सम नंबर हमारा यहाँ पे सेवन सिक्स भी हो गया है तो चले सम नंबर सेवन्थ पे चलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल अब डायमीटर एक सर्कल की बात की है तो हम यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है तो ये ए बी डायमीटर गिवन है तो ए के पॉइंट्स क्या गिवन है ए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इट ये पॉइंट्स निकालने हैं तो बी के पॉइंट्स क्या गिवन है वन कॉमा फोर एंड सेंटर इज सेंटर ये मान लो सेंटर है सी और इसके पॉइंट्स है टू कॉमा माइनस थ्री हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेट कर लेंगे एक्स कॉमा Y. तो हम क्या लिखेंगे लेट ए एक्स कॉम वाई बी द कोऑर्डिनेट्स बी द रिक्वायर्ड कोर्डिनेट्स ये हमें कोर्डिनेट्स चाहिए और बी और सी के आपको गिवन है यहाँ पे सिंपल क्लियर हो रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है जहां पर मिड पॉइंट गिवन है ये कोर्डिनेट्स इट मीनस मिड पॉइंट फॉर्मुला लगेगा और हम वैल्यूज निकाल लेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मुलेज में होता है एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू विच इज इक्वल टू टू तो यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार मैं यहां लिख देती हूं कि वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाए तो ये वैल्यू हमारी एक्स वन वाई वन होती है ये वैल्यू एक्स टू वाई टू होती है और ये जो होता है एक्सकॉमा वाई तो इस इट मीन्स ये टू कॉमा माइनस थ्री इधर आ गया और एक्स वन प्लस एक्स टू क्या आ गया ये एक्स है और ये वन है एक्स प्लस वन ओवर टू तो ये वाई और इधर क्या आ गया फोर वाई प्लस फोर ओवर टू तो इनको हम इक्वेट कर लेंगे इनको इक्वेट करने के बाद इट मीन्स एक्स प्लस वन ओवर टू विच इज इक्वल टू टू एंड वाई प्लस फोर ओवर टू इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस थ्री तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन की और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री और यहाँ पे y प्लस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस फोर विच इज इक्वल टू माइनस टेन तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हमने निकालने थे वो हमने लेट किए थे x कॉमा वाई तो वो क्या आ गए हमारे पास प्लस थ्री थ्री कॉमा माइनस टेन तो ये आपका आ गया आंसर तो ये वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं इसके नेक्स्ट सम इसी एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस शेयर कीजिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ तब तक के लिए बाय